जस्ट ऐड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का स्वागत करती है। आज की जो सब्जी की रेसिपी है उसके लिए हम वाइट ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने पानी के अंदर गार्लिक, हरी मिर्च, कटे हुए प्याज जो मैंने रफली चॉप किए हैं और काजू को डाल दिया है। साथ ही मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं और अब मैंने इसे ढक्कन लगा के रख दिया है। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम मेथी को भून लेते हैं। तो मैंने एक चम्मच घी डाल के मेथी को धोकर काट लिया है और इसे अच्छे से भुनने के लिए रख दिया है। हमारे प्याज लाल थे तो उसको ब्लीच करने के लिए मैंने इसमें विनेगर डाला है जो हमारा मसाला बॉयल हो रहा था। इधर हमारी मेथी भुन रही है, देखिए भुनने के बाद कितनी कम हो गई है। अब प्याज हमारे रेड थे इसलिए थोड़ा सा इसका रेडिश कलर रह जाता है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीसेंगे। तो मैं अभी इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैंने एक पैन में तेल गरम किया है और साथ ही मैंने शाह जीरा जो हमारे गरम मसालों के साथ आता है वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया और साथ ही जीरा जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो भी डाला है। और जो ग्रेवी मैंने पीस ली थी मसालों की वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मैंने इसे वाइट ग्रेवी में बनाया है। अब इसे अच्छे से हमें पकाना है। हालांकि हमारे प्याज पहले से बॉयल हुए हैं और बाकी सारा मसाला भी बॉयल्ड है लेकिन फिर भी थोड़ा इसे पकाना ज़रूरी है। अब मैंने इसमें दही ऐड किया है जो मैंने अच्छे से मिक्स करके रखा था। और दही डालने के बाद हमेशा इसे बराबर मिक्स करना ज़रूरी है। जब इसमें एक बॉयल आने लगेगा तब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। अभी तक बॉयल नहीं आया है, ये देखिए इस ढंग से जब बॉयल आने लगेगा तो अब हम घर की ही मैंने मलाई को यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और मलाई डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया है और इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अब थोड़ी देर पकाने के बाद ये हमारी ग्रेवी रेडी है। अब मैंने इसमें पनीर काट के डाल दिया है। और साथ ही जो मेथी हमने भून के रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हमारी ये वाइट ग्रेवी के साथ पनीर मेथी की सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैंने इसे एक रेड तड़का देने के लिए एक तड़के पैन में घी गरम किया है और इसमें एक सूखी लाल मिर्च डाल के थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, इसलिए मैंने ऐसा किया है। हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।